नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनहित आवाज और मैं हूं राशिद। एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली के शाहीनबाग इलाके से, जहां बुलडोजर पहुंच चुका है। आज शाहीनबाग का नंबर है और यहां बुलडोजर चलना तय है, क्योंकि इतने दिन से कार्रवाई को रोका गया था। दिल्ली के शाहीनबाग इलाके में अतिक्रमण हटाने का काम लगता है कि अब नहीं रुकेगा, क्योंकि फोर्स की कमी के चलते एनसीडी ने इस कार्रवाई पर ब्रेक लगा दिया था। क्योंकि दिल्ली पुलिस का इस मामले में कहना था कि वो पर्याप्त सुरक्षा वहां पर मुहैया नहीं करा पा रही है, क्योंकि वहां और भी प्रोग्राम थे। और अब शाहीनबाग में एमसीडी का बुलडोजर चलता दिखाई देगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने हामी भर दी है और एमसीडी को पर्याप्त सुरक्षा वो दे रहा है। अभी अभी जो वहां के हालात हैं, आप अपनी फोन के स्क्रीन पर जो फोटोज देख रहे हैं वो वहां के ताजा हालात हैं, और जिससे पता चलता है कि वहां पर बुलडोजर पहुंच चुका है। शाहीनबाग में आज कोई भी शोरूम नहीं खुला है। मौके पर जो लोग हैं वो बुलडोजर के आगे बैठ गए हैं। कांग्रेस नेता परवेज हैं, वो बुलडोजर के आगे बैठ गए हैं और वहां पर लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अभी अभी वहां के ताजा हालात हैं। शाहीनबाग में कई जगह बुलडोजर की ये कार्रवाई है जो होनी है। वहां का मेन रोड है, कालिंदी कुंज है, 9 नंबर पार्क है, और खासकर वो भी जगह है जहां पर शाहीनबाग का ये प्रोटेस्ट हुआ था, जिस दौरान वहां पर लोग, महिलाएं वहां पर जमा हुए थे, वहां पर बैठे थे। और अब बड़ी खबर ये आ रही है, क्योंकि वहां पर बुलडोजर चलना है और इसको लेकर वहां हंगामा मचा हुआ है। पुलिस बल जो है वो अभी कम मात्रा में है और लोगों की भीड़ ज्यादा है। कोई भी शोरूम वहां खुला नहीं है और लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। बुलडोजर को घेरा हुआ है और पुलिस बहुत ही कम मात्रा में है, जिसको देखकर तो मुश्किल लग रहा है। लेकिन आज बुलडोजर चलना इसलिए तय है क्योंकि एमसीडी अपने पूरे दस्ते के साथ और पूरी तैयारी के साथ वहां पर आया है। भले ही पुलिस फोर्स कम हो, लेकिन अभी पुलिस फोर्स और आने की उम्मीद है, और देखना है कि क्या आज बुलडोजर चलेगा, क्या अतिक्रमण पर एमसीडी का आक्रमण होगा, और अगर होगा तो कितनी देर में होगा। वहां की सीधे तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, और वहां के क्या हालात हैं जो मैंने आपको ये सब बताए हैं कि वहां पर बुलडोजर को घेरा हुआ है, और देखना होगा कि अभी कितनी देर में ये बुलडोजर चलता है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जनहित आवाज़।